अभी इधर पेंट स्टार्ट होने लगा है। भाई के रूम में पेंट हो रहा है। मेरे कमरे में पहले कराना था ना यार। पहले तुम उठे हुए थे, सो रहे थे, सुबह 8 बजे गए हैं अगले। मेरे मुंह में पानी शानी फेंकना था ना, मैं उठ जाता। हाँ, पानी का दरवाजा ही बंद था। भाई किचन के अंदर भी पेंट हो जाएगा और बाकी इधर नीचे वुड का काम होने वाला था, वो भी हो गया कंप्लीट डन। वॉलपेपर वाला नहीं आया अभी, वो उसको रास्ता ही नहीं मिलता। हेलो चिंटू, तुम्हारी चिंटी कहाँ है? अबे ना काम कर। ये तुम लोग देखो, अभी इसके थोड़े थोड़े बाल आए हैं ना, तो अब जाके ये सही हुआ है। बंदा बन जाओ। ना हो चुक लेने यार, अब हमारा कमरा पेंट होने लगा है। अरे चिंटू इंस्पेक्शन करो, सारा काम ठीक है या नहीं? ओके चल जा काम कर जाके। मैंने नेट लगवाया था, ये देखो डिवाइस है सारा कुछ 15,000 से 20,000 रुपए का, ठीक है। और जब स्ट्रीम करने बैठा नेट चल ही नहीं रहा था। जा रहे हैं वॉलपेपर वालों को लेने, वो ना यहाँ पे आगे क्यों फंसे हैं, उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो वो मिल गए हम लोग, वो देखो वो मिल गए। मचाले धूम मचाले, वेरी गुड। तो यार ये ग्लू है, इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन। बहुत ज्यादा हीट है यार। ओए होए होए, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, अम्मा बहन पे। कूलिंग ऑन करें जरा, टाइम ही नहीं है तुम्हें तैयार करवाने का या तुम्हें धुलवाने का। मेरी जान नाराज नहीं होना। तुम आजाद होने वाले हो, जा सिमरन जिंदगी जी ले। निकल, यहाँ पे काम हो रहे हैं, वहां पे काम हो रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहे हैं। भाई साहब तो ज्यादा ही हो गया। स्नो हो रही है भाई, स्नो। तो यार अभी मामा बर्तन धो रही थी, बहुत ही गंदा कट लगा मामा को। कोई ना कपड़ा वो लेके आना, टिश्यू के साथ। हाँ एक मिनट कपड़े के साथ साफ ना करना। चलो बस लगा दो। लाया भी मैं कौन सा हूँ जो वेट है ना, हो सकता वेट कुत्तों वाला। शाबाश मां यार, दूसरा मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं कहीं दूसरा टिश्यू का डब्बा पता नहीं कहाँ है। मैं धो देता हूँ, सब छोड़ दे, बर्तन तो है नहीं। कि तुम लोग देख सकते हो फ्रंट किट आ चुकी है और जो इसके साइड पे जो पैनल लगते हैं वो भी आ चुका है। गाड़ी का ऑयल भी चेंज करा लेंगे और ये भी चीजें लगवा लेंगे तो गुड हो जाएगा। तो यार ये हो चुका है सारा वॉलपेपर, खूबसूरत लग रहा है। लेकिन तुम लोग देखो पूरा दिन लग गया लेकिन अभी तक सिर्फ आधे काम हुए हैं। अभी ये सारी सफाइयां हम लोग करते हैं सुकून आराम से। बाकी यार मुझे तो खूबसूरत लगा है, इधर कर्टन्स लाएंगे मजे के, बहुत मजा आएगा। तो यार जो हमारा रूम है वो पेंट हो चुका है और अभी तक बेड नहीं आया। भाई साहब पूछा मैंने कुछ उस बंदे को, मैं क्या ही बोलूं भाई, मुझे बहुत गुस्सा है भाई, बहुत गुस्सा है। बाकी हमारी रोटी वगैरह आ चुकी है, दाल माश, मिक्स वेजिटेबल, कढ़ाई, बिरयानी, चटनी, रोटियां, आ हा हा हा। तो भी आओ जरा टेस्ट करें। आए हाय हाय हाय, बहुत भूख लगी थी यार, बहुत भूख लगी थी। मिक्स वेजिटेबल बहुत देर बाद खाने लगा हूं मैं। मम्मा जैसे कि तुम लोग को पता है भाई मैं पाकिस्तान आया हूँ और भाई इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, लेकिन इस चीज का एक मैंने सलूशन ढूंढ लिया है। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बायनामो पर ट्रेडिंग की। तो यार तुम लोगों ने टेंशन लेनी, मैं तुम लोग को सिखाता हूँ बायनामो ऐप कैसे यूज करते हैं। और सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बायनामो ऐप डाउनलोड करो। अच्छा तो यार यहाँ से मैं डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। मैं अप का बटन दबाऊंगा कि ये भाई यहाँ से ट्रेड अप जाएगी। तो लेट्स सी, अभी हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। और यार ये यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हम लोग ट्रेड जीत गए हैं। बायनामो बहुत ही वेल रिप्यूटेड है और ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जिस पर डेली मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और हाँ बायनामो पर रेफरल सिस्टम भी आ चुका है जो कि एक और इजी अर्निंग मेथड है। इसमें सिर्फ आप बायनामो से लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को भेजोगे और वो ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेंगे $10 या $20 हर न्यू ज्वाइनिंग पे। और साथ ही साथ बायनामो इजी कैश विड्रॉल और डिपॉजिट मेथड प्रोवाइड करता है जैसा कि बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा, जैश कैश और भी। तो यार देर कैसी, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और मेरे प्रोमो कोड को यूज करना मत भूलना क्योंकि उस पे हासिल करो अपने पहले डिपॉजिट पे 50% का बोनस। 2 days later. तो यार ये है हमारा रूम, रेडी हो चुका है, लग रहा ना अब इंसानों का कमरा है। 1.5 हफ्ते बाद ये बेड आया है लेकिन इट्स वर्थ इट। 1.5 हफ्ते का टाइम लिया लेकिन उसने चीज बहुत मजे की बना के दी है। ये हम लोगों ने ग्लोब लगा दिए थे यहाँ पे, ये हमारा ड्रेसिंग आ गया। क्या हाल है, मैं भी इनको कमरा ही दिखा रहा था।
अपनी मर्जी से लिविंग रूम बनवाया है ठीक है, इतना बकवास लग रहा है यकीन करो, तुम लोग देखना तुम लोग भी कहोगे ये क्या बाबे टटी कलर ही किया तुमने यार, ये तो बेइज्जती कर रहा है। बाकी बेडरूम तो अच्छा है ना, बेहतरीन, ये बस इधर इस चीज की कमी है, एलसीडी कमी है वो लग जाएगी। तो भाई मुंह क्या देख रहे थे, ले जाते हैं, ले जाते यार, टाइम खुद सोए होते हो। तो यार ये है लिविंग रूम, मैंने अपनी पसंद का बनवाया है, ये तुम लोग देख सकते हो भाई, जिसको ये टट्टी कह रहा है टट्टी क्या कर दिया सारी, कहाँ टट्टी किया यार, रंग मैं कहता हूँ खूबसूरत हो गया, खूबसूरत हो गया। ये हम लोगों ने वॉलपेपर लगवाया था पूरा, और ये हम लोग नए सोफे लेके आए थे, जो टेबल्स हैं वो हम लोगों ने दे दी हुई हैं, और साइड टेबल्स आएंगी जिनके ऊपर लैंप आएगा, और साथ ही साथ वो भी देखो कितने मजे का मैंने बनवाया है यार, ये भी टट्टी है भाई, ये कुछ डिसेंट आया, देखो ना वाइट, ये तुमने क्या किया, तो क्या हो गया छपड़ियों वाला है वो भी तो डिसेंट ही है, तुमने खाची मारी है बस। मजाक कर रहा हूँ ठीक है, ये सारा कुछ यही लेके आया है, इसी ने कलर डिसाइड किया, बस इसने कहा जी बंदे आ गए आप काम करवा लो, सारा डिसाइड इसने किया है भाई, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा है, प्यारा लग रहा है, मजा आया ना, हाँ ये ना दिल ना छोटा हो जाए तुम्हारा, नहीं नहीं यार दिल नहीं छोटा मेरा, हाँ तो कुछ और छोटा है, नहीं 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 यार क्या कर रहे हो यार, प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो यार गाइस कमेंट में बताओ कैसा लगा यार तुम लोगों को, हाँ भाई कैसे हो यार, मैं ठीक, तू पिंक गाड़ी वाला काम कुम हो रहा है, तू चला गया, तूने तो रिजल्ट नहीं देखा बीच में, यार वो घर के काम हो रहे थे ना तो वो बंदों ने आना था इसलिए मैं चला गया था, गाड़ी हो गई है सही, गाड़ी तो सेट हो गई है, तूने वीडियो में भी देखी होगी अपना, लेकिन तू लाइव रियल में तूने नहीं देखी, ओ अच्छी लग रही है वैसे, पहले बताता मैं सिविक भी आया था, कोई नहीं घर जाके देखते हैं, घर जाके देखते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर से भी ना करवा ही दूं पिंक, नहीं यार फिर लोग बहुत तंग करेंगे, मतलब वो तो करेंगे लेकिन आएगा भी पिंक को काम पूरा होना चाहिए, बाहर से पता लगना करवा चाहिए, करवा दे रैप करा दो पिंक, और ऊपर ना वो मिकी माउस बनवा लेंगे, मिकी माउस पिंक सही लड़कियों वाला पूरा मस्त प्लान है यार, अभी कुछ खाने जा रहे हैं तू बता यार, मजे की चीज खिला दे यार, मजे का पिज्जा खिलाता हूँ, पिज्जा पुजा खिला, मैंने भी रोटी नहीं खाई, अभी उठा हूँ पिज्जा खिलाता हूँ आपको मजे का। तो यार ये पिज्जा आ चुका है हमारा, इसने बर्गर मंगाया, कैसा है बर्गर, ठीक है बस ठीक है, पिज्जा खा के चेक करो ना फिर मजा आएगा, ये लो मेरे हस्बैंड, कैसा लगा आपके हाथ से, तो फिर हर चीज मजे की आना, बस फिर रात को मैं आऊँ तुम्हारे पास है। तो यार बस खाना वगैरह खा के भी फ्री हुए हैं, तो मैंने कहा यार घर चलते हैं, आगे बहुत लेट हो रहा है, जो हमारा रूम था भाई 80% तैयार हो चुका है, एक रहती है पेंटिंग, दूसरा हम लोग को चाहिए यहाँ पे टीवी, और आज भाई ईद का तीसरा दिन है, मैं तो दो दिन से लगातार सोता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम लोग की कैसी ईद जा रही है भाई। तो बाकी यार आगे बहुत मजे के व्लॉग्स आने लगे हैं, तो यार जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन दबा दो जल्द से जल्द, और बेल आइकन भी दबाओ ताकि जब वीडियो आया करे तुम लोग को नोटिफिकेशन आ जाए करेगा, जैसे तुम लोग को मैसेज के नोटिफिकेशन आती है। यार इधर ही ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जिसने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो जाके, न्यू पिक्चर अपलोड किया यार जाके लाइक करो कमेंट करो, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।